वेलकम टू एनवीटीवी न्यूज। सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और हमेशा रहिए सच से रूबरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रमजानुल मुबारक का महीना रहमत, मगफरत और जहन्नम से निजात का परवाना लेकर आ रहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बिल्कुल शुरू में और शाबान के आखिर में आपने सहाबा के दरमियान आपने एक अजीम खुतबा दिया, जिसमें आपने फरमाया कि एक अजीम महीना आ रहा है, जो महीना बड़ा बाबरकत है। जिस महीने में एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। रमज़ान का ये मुबारक महीना अल्लाह का मेहमान है और मेहमान के आने से पहले उसका इस्तकबाल ज़रूरी है। रमज़ान का इस्तकबाल ये है कि हम अपने आप को गुनाहों से दूर और इबादत से करीब अपने आप को करें। जो लोग रमज़ान का सही माने में इस्तकबाल करते हैं तो रमज़ान उसके लिए दुआएं करता हुआ रुखसत होता है, और जो लोग रमज़ान को जैसे तैसे गुजारते हैं तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राइल की बद्दुआ इनके साथ है। रमज़ान के आने से पहले हमें एक तरतीब बनानी चाहिए कि साल के 11 महीने हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, कारोबार के लिए है, लेकिन रमज़ान का एक महीना जो अल्लाह का मखसूस महीना है, ये महीना पूरे एहतियात के साथ गुजर जाए, इसके लिए हमें एक तरतीब बनाने की ज़रूरत है। अगर तरतीब बन जाती है तो इंसान का कोई वक्त जो है बिला ज़रूरत और बिला मकसद खर्च नहीं होता है, बल्कि हर वक्त जो है वो किसी न किसी मकसद में इस्तेमाल हो जाता है। रमज़ान का ये हरगिज़ मफहूम नहीं है कि सिर्फ हम इफ्तार और सहरी और दूसरे लवाजमात में अपने आप को लगाएं। रमज़ान का पूरा महीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतमाम के साथ इबादत पे गुजारते, और इसके लिए आप खजूर ही के ज़रिए से कभी इफ्तार और सहरी कर लेते। इसलिए हम रमज़ान के ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को वसूल करने के लिए, हम ज़िक्र के लिए, तिलावत के लिए, नमाज के लिए, नवाफिल के लिए हम वक्त मुतय्यन करें। इस महीने में जो तरबियत का महीना है, हम अपने आप को किसी बुज़ुर्ग के हवाले करें या उनकी किसी किताब के हवाले करें, ताकि हमारा वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा कारामद हो जाए। हम रमज़ान के इस महीने को गैर ज़रूरी चीज़ों में ख़र्च न करें कि दूसरे लवाजमात की तैयारी करते करते पता चला कि रमज़ान का महीना गुजर गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स का रमज़ान सही सालिम गुजर जाता है, उसका पूरा साल सही सालिम गुजर जाता है। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन लोगों का रमज़ान इंतशार ज़हनी के साथ, बेतरतीबी, बेदिली के साथ गुजरता है, तो पूरा साल फिर उसका इसी की नज़र हो जाता है। हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान का ये महीना हमारे लिए, हमारे मुल्क वालों के लिए और पूरी दुनिया के लिए भरपूर सआदतों का, रहमतों का हमारे लिए ज़रिया बन जाए, और जहाँ भी अहले ईमान किसी भी तरह से मुश्किलात से दोचार हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी मुश्किलें को, उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए और उनके लिए जो है बेहतर फ़ैसला फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।